गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अनीशा फूड फ्लेवर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, तवा पर चिकन फ्राई। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगी वो हम देख लेते हैं एक बार। चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम, एक बड़ी कटी हुई प्याज थे बहुत छोटे छोटे काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च इन्हें भी छोटे छोटे काट लिया है मैंने, हल्दी, टर्मरिक पाउडर और ये रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर और ये काली मिर्च है, इसे हम यूज़ करेंगे। और तेल हमें लगेगा जिसे, और नमक स्वाद अनुसार, प्लस हमने लिया है कुछ केले के पत्ते जो कि मैं यूज़ करूँगी इसमें। तेल लगाकर तवा पर डालूँगी ये, मैं अपने चिकन को सबसे पहले मैरिनेशन करूँगी। इसमें डालूँगी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे मैं सबसे पहले चिकन को ले लेती हूँ। इस चिकन में मैं पहले डाल देती हूँ ये कटे हुए प्याज। दोस्तों ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा, आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। हालांकि ये रेसिपी अभी मॉडर्न ज़माने में धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन इसे आप घर में बनाएंगे तो काफ़ी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, इसे भी हम मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बारीक कटे हुए हरी मिर्च, ये पुदीना के पत्ते, ये कुछ कटे हुए ताज़े धनिया के पत्ते। और दोस्तों आप नमक स्वाद अनुसार यूज़ कर लेंगे। और ये सारे मिश्रण को हम थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे, 15 मिनट्स के लिए इसे आप छोड़ दें इस तरह से, इसको पूरे मिलाकर अच्छी तरह से। और हम लास्ट में सरसों का तेल डाल देंगे और इसे भी अच्छे से अंदर तक, जैसे चिकन में वो चला जाए, बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिलाएं। और जब आप इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये काफ़ी अंदर तक सारे मसाले चिकन के अंदर चले जाएंगे। सो दोस्तों इसे मैं 15 मिनट्स के लिए ढककर छोड़ दूंगी। दोस्तों आप देख रहे हैं ये बनाने के लीफ में मैंने सरसों के तेल लगा लिए एक साइड से, दोनों ये क्योंकि ये दो साइड से पकेगा। पहले हम चिकन के जो भी मैरिनेशन करके रखा हुआ है हम चिकन, इसे पहले ऊपर डाल देंगे, फिर इसे तवा पर पकने को छोड़ देंगे ढककर। फिर जब वो एक साइड से हो जाएगा तो फिर हम ये दूसरे पत्ते में ट्रांसफ़र करके फिर से उसे दूसरे साइड से पकाएंगे। फिर दोस्तों देखते हैं ये हमारा रेसिपी कैसा बनता है, चलिए आइए। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये ओवन में रख दिया है तवा गरम होने के लिए, इसमें भी हल्का तेल डाल दिया है और इस पे अब हम केले के पत्ते को रख देंगे इस तरीके से, ये भी धीरे धीरे गरम होगा। इसमें हम चिकन रख देंगे, अब जो भी मैरिनेट करके हमने रखा हुआ था उस चिकन को हम तवा पर इस तरीके से सजा देंगे। ये पकने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, पर ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं या आप रोटी तवा के साथ भी खा तवा रोटी के साथ, सिंपल रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप किसी भी गेस्ट को देंगे तो वो पसंद करेंगे खाने के लिए। देखिए दोस्तों मैंने इन चिकन्स को उसमें डालकर पकने के लिए अब छोड़ दिया है, इसको हम ढक देंगे पूरी तरीके से ढक देंगे। अब ये होने के लिए हम इसे छोड़ देते हैं कुछ देर, फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 से 25 मिनट बाद ये एक साइड से बिल्कुल हो चुका है और ये जो पत्ता है इतना सॉफ्ट हो चुका था कि मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है। और ये जो दूसरा पत्ता मैंने बोला था दूसरे साइड से, ये अब हम डालकर इसे, देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने इस दूसरे पत्ते को भी इसके ऊपर से डालकर
अब मैं इसे पलट कर तवा पर फिर से डाल दूंगी। अब ये दूसरी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो मैं फिर से हल्का ढक देती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए, ये मैंने लो फ्लेम में ही किया है। चलिए थोड़ी देर के लिए इसे एक साइड से और पकने दें, फिर हम देखते हैं हमारा ये करीब 20 से 25 मिनट हमारा ये रेसिपी टोटल टाइम लेता है। आइए देखते हैं ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम प्लेटिंग कर देंगे इस प्लेट में। देखिए ये किस तरह का बनकर तैयार हुआ है। हम ये केले के पत्ते को हटा देंगे बिल्कुल, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है हमारे इस डिश में। इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से नींबू हल्का इस तरह से डाल देंगे, ये काफ़ी टेस्टी लगेगा दोस्तों। ये हमारा रेसिपी आप देख सकते हैं, ये बनकर तैयार हो चुका है। आइए इसे अब खाने के साथ परोसें। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे आप अपने घर में ट्राई करें और मुझे अपना अनुभव ज़रूर लिखकर बताएं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।